नमस्कार, मैं हूँ संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। आजमगढ़ जिले के जीनपुर कोतवाली क्षेत्र के छपरा सुल्तानपुर गांव में एक युवक का शव मध्य प्रदेश के भोपाल में मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मचा था। रविवार को शव आने से पहले ही आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने क्षेत्र के एक स्कूल प्रबंधक पर हत्या का आरोप लगाते हुए अजमतगढ़ घोसी मार्ग पर जाम लगाकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। परिजनों और ग्रामीणों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने शव को गाँव में लेकर नहीं पहुँची। परिजनों और ग्रामीणों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस शव को गाँव में लेकर नहीं पहुँची, जिससे ग्रामीण और आक्रोशित हो उठे और हंगामा करना शुरू कर दिया। इसी बीच ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया तो पुलिस ने लाठियां भाजनी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस और ग्रामीण आमने सामने आ गए। कम पुलिस बल के कारण ग्रामीणों के आगे पुलिस की एक न चली और पुलिस कर्मियों को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। इस दौरान ग्रामीणों ने एक चौकी प्रभारी की बाइक को जहाँ आग के हवाले कर दिया तो वहीं कोतवाल की गाड़ी का शीशा भी टूट गया। ग्रामीणों के उपद्रव की सूचना के बाद जिला मुख्यालय से आला अधिकारी भारी पुलिस बल और पीएससी के साथ मौके पर पहुंचे और किसी तरह स्थिति को काबू में किया। जीनपुर कोतवाली के छपरा सुल्तानपुर के रहने वाले धर्मपाल गांव में प्राइवेट स्कूल में बतौर क्लर्क और शिक्षक का कार्य करता था। बीते 4 अप्रैल को प्रबंधक ने उसे घर से बुलाया, इसके बाद वह लापता हो गया। 8 अप्रैल को मध्य प्रदेश के भोपाल जिले की पुलिस ने फोन पर धर्मपाल के मौत की जानकारी दी कि उसका शव एक कमरे में मिला है और उसी के फोन से ही पुलिस ने बात की थी, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक के पिता स्कूल प्रबंधक को लेकर भोपाल पहुंचे और रविवार को शव को लेकर वापस लौट रहे थे। इसके पूर्व ही ग्रामीण और परिजनों ने अजमतगढ़ घोसी मार्ग पर छपरा सुल्तानपुर गांव के पास चक्का जाम कर दिया। ग्रामीण लाठी डंडा लिए हुए थे। सूचना पर जीनपुर कोतवाली पुलिस भी पहुंच गई। ग्रामीण स्कूल प्रबंधक पर ही साजिश के तहत हत्या कराने का आरोप लगा रहे थे। ग्रामीणों के उग्र तेवर को देखते हुए जीनपुर कोतवाली पुलिस ने मृतक का शव गांव नहीं पहुंचने दिया और रास्ते से ही उसे जीनपुर कोतवाली भेज दिया। इसकी जानकारी ग्रामीणों को हुई तो वे आक्रोशित हो उठे, जिस पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। पुलिस की इस कार्रवाई ने आग में घी का काम किया और ग्रामीण भी पुलिस से भिड़ गए। ईट पत्थर चलाने के साथ ही ग्रामीणों ने पुलिस वालों को लाठी डंडे लेकर दौड़ा लिया। भाग कर पुलिस कर्मियों ने अपनी जान बचाई। चौकी प्रभारी इमलिया की बाइक को ग्रामीणों ने आग के हवाले कर दिया तो वहीं कोतवाल के वाहन का शीशा भी तोड़ डाला। सूचना पर कई थानों की फोर्स के साथ ही पीएससी भी मौके पर पहुंची। एसपी सुधीर कुमार सिंह, सीओ राजेश तिवारी, एसडीएम गौरव कुमार ने भी मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। देर शाम तक पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर जमे हुए हैं। देर शाम पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने दावा किया कि पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों द्वारा राजनीतिक लाभ के लिए लोगों को उकसाया जा रहा है, जिससे यह बवाल हुआ है। इस मामले में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया और उपद्रव करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि युवक ने दूसरे प्रांत में आत्महत्या की थी। थाना जीनपुर के छपरा सुल्तानपुर गांव के एक व्यक्ति की डेथ दूसरे प्रदेश में जहां वो काम करता वहां हो गई थी और जैसा कि बताया गया है कि उसके द्वारा वहां पर आत्महत्या की गई थी। उसकी डेड बॉडी आ जा रही थी, जिसे कुछ लोगों ने गांव के लोगों ने महिलाओं को आगे करके सड़क पर रोड जाम किया। पुलिस द्वारा उन्हें समझाने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर पथराव किया गया। कुछ लोगों को हल्का बल प्रयोग करके वहां से उन्हें खदेड़ा गया और कुछ लोगों को मौके से हिरासत में लिया गया है। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है। आजकल पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा है और उसके जो प्रत्याशी हैं, चाहे बीडीसी के हों चाहे प्रधान पद प्रत्याशी हैं, उन्हें उनके द्वारा और उनके समर्थकों द्वारा लाभ लेने के लिए कुछ लोग उकसाया गया था, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। हमारे
हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।